Hello students, good morning to all. First of all, a big congratulations to you all that you have promoted to next class. But as per the government guidelines, we are again meeting at this online platform. And I, Meenakshi Vijay, is here to teach you English. And firstly, we will discuss about a very first chapter from English grammar, that is sentence. Previous classes में भी आप लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हो. बेसिकली वॉट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरीली जो चीज़ है वो ये है कि उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए. जो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता वो सेंटेंस नहीं कहलाता है. तो सबसे मेन चीज़ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंसेस कॉल सेंटेंस. अब तीन चीज़ हमें देखनी है सेंटेंस के बारे में. तो फर्स्टली देखो, अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. सबसे मेन चीज है कि सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा, शुरुआत जो होगी सेंटेंस की वो कैसे होगी? विद अ कैपिटल लेटर. नंबर टू जो है वो है, सेंटेंस कैन एंड इन अ फुल स्टॉप. ये देखो फुल स्टॉप का मार्क है, अब क्वेश्चन मार्क, दैट इज एंड और अ एक्सक्लेमेशन मार्क. तीनों मार्क कोई भी सेंटेंस के लिए ये रिक्वायर्ड है कि उसका एंड जब होगा तो वो या तो फुल स्टॉप से होगा, क्वेश्चन मार्क से होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा. थर्ड थिंग जो है, अ क्वेश्चन इज आल्सो अ सेंटेंस. क्वेश्चन किसी से भी, हम कोई भी क्वेश्चन आस्क करते हैं तो वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, वो भी सेंटेंस ही कहलाता है. अब सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. A sentence consists of two parts. Number one, subject. Number two, predicate. तो very first word जिसके बारे में कुछ बोला जाता है या जो कोई काम को करता है उस sentence में, that is subject. और subject के अलावा जो remaining part होता है sentence का वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है predicate. देखिए सब्जेक्ट के लिए है, अ पार्ट विच नेम्स और द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. यूजुअली अधिकतर जो है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है सब्जेक्ट. कभी कभी कोई कोई सेंटेंस में ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस के बीच में भी हम सब्जेक्ट को देखते हैं. आप देखो प्रेडिकेट के बारे में, तो द पार्ट विच टेल्स अस मोर अबाउट द पर्सन और थिंग. जो वो पार्ट सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है किसी पर्सन और थिंग के बारे में, और व्हाट दे डू फ्रॉम द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. द वर्ब इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट. और जो वर्ब होती है वो भी प्रेडिकेट का ही पार्ट होती है. तो ये तो बात हुई पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, नंबर वन सब्जेक्ट और नंबर टू प्रेडिकेट. ठीक है, ये तो हो गया पार्ट ऑफ सेंटेंस. ना अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस. जैसा हमने पढ़ा है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, सेंटेंस जो है फोर काइंड्स में डिवाइडेड होते हैं. वो फोर टाइप्स कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंस नंबर वन है. असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नंबर वन अफर्मेटिव और नंबर टू नेगेटिव. नंबर टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं, क्वेश्चंस भी बोलते हैं. जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो टाइप ऑफ सेंटेंस जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कोई भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट जो भी होती है वो किस में आता है? इम्परेटिव सेंटेंस में आता है. नंबर फोर टाइप
टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एंड होता है विद द एक्सक्लेमेशन मार्क. और एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ सडन फीलिंग या शॉक वाले सेंटेंस जो होते हैं वो आते हैं. तो एक एक टाइप ऑफ सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस जैसे हम पढ़ेंगे. नंबर वन हमारा जो है असर्टिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है. दीज सेंटेंस स्टेट और डिक्लेयर समथिंग. ये कोई भी चीज का डिक्लेरेशन करते हैं तो दे आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. दे एंड विद फुल स्टॉप. और असर्टिव सेंटेंस जो है हमेशा किस पे एंड होते हैं. फुल स्टॉप से एंड होते हैं. अब असर्टिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव. अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोलेंगे. तो ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. नंबर वन अफर्मेटिव हमने देखा अभी उसे हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं. और नंबर टू नेगेटिव. अब देखिए एग्जांपल देखिए इसकी. इट्स वार्म टुडे. आज बहुत गर्म है. इट्स वार्म टुडे. तो ये क्या हो गया एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. जब हमने इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया नॉट का यूज कर दिया इसमें तो ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव. तो सेंटेंस बन गया इट्स नॉट वार्म टुडे. सिर्फ नॉट लगाने से सेंटेंस क्या बन गया नेगेटिव. तो ये नंबर वन टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ हमारा असर्टिव सेंटेंस जिसके टू पार्ट्स हमने दोनों का एक एक एग्जाम्पल देखा अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अब आती है बात हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया है जहां पर कोई भी क्वेश्चन आस्क किया जाता है. दीज सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क ये वाला मार्क. जो भी सेंटेंस इस मार्क से क्वेश्चन मार्क से एंड होता है दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सच सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो यही सेंटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. नंबर थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस. जैसा अभी मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम कोई भी कमांड है कोई भी ऑर्डर है एडवाइस है तो ये सब तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो किस में आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं. नंबर फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दीज सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एंड आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. दे एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला मार्क. तो हमेशा सेंटेंस ये वाला जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से फिनिश होगा खत्म होगा. तो ये तो आज हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज टू टाइप ऑफ सेंटेंस टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. नंबर वन सब्जेक्ट नंबर टू प्रेडिकेट. फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट इज फोर टाइप ऑफ सेंटेंस. नंबर वन असर्टिव जिसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. नंबर वन अफर्मेटिव एंड नंबर टू नेगेटिव. फिर सेकेंड टाइप ऑफ हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव थर्ड imperative and fourth axiomatic that is the type of sentence. Thank you. Have a nice day.